भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांजा की बड़ी खेप बरामद की है। कुख्यात बदमाश रईस रेडियो और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 15 लाख का गांजा बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस के अनुसार उन्हें भोपाल में गांजे की बड़ी खेप आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शहर में अलग अलग एंट्री पॉइंट पर क्राइम ब्रांच की टीम तैनात की गई थी। बदमाश रईस रेडियो और उसका साथी अबरार खान गांजे के खेप के साथ जब सेंट्रल जेल रोड बाईपास पहुंचा, तभी पुलिस की टीम ने आरोपियों की कार को रोका और उसकी तलाश ली। तलाशी में गांजे के 10-10 किलोग्राम के 10 पैकेट मिले। इसके बाद अबरार और रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए गांजे की बाजार में करीब 15 लाख रुपए कीमत है। रईस रेडियो और उसके साथी अबरार ने गांजे की तस्करी करने के लिए अपनी निजी कार को मॉडिफाई कराया था। कार की सीट के नीचे लोहे के बॉक्स बनवाए थे। इन्हीं बॉक्स में गांजा रखकर आरोपी उड़ीसा से भोपाल गांजे की तस्करी करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।